सबसे पहली जो गाड़ी अपनी लिस्ट में है वो है मारुति सुजुकी। देखिए अभी वाली मारुति जो सुजुकी स्विफ्ट है वो हजारों लाखों की यूनिट्स में जो है बिकने लग रही है, बट एक चीज ये है कि ये नया वाला जो जनरेशन इस गाड़ी का आने वाला है वो आए दिन अग्रेसिव टेस्टिंग उसकी होने लगी। आज हाल ही में मैंने अपनी आंखों से भी देखा था सामने। तो देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, इस गाड़ी के आप लोगों को डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते, मतलब हाँ ये समझ में आएगा कि स्विफ्ट है, बट इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी दी जा रही है वो काफी ज्यादा उम्दा है। अब टेक्नोलॉजी की हम लोग बात चुकी कर ही रहे यहाँ पे, तो उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि इसमें अबकी बार आप लोगों को हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी, टर्बो इंजन भी आने वाला है, साथ ही साथ एडास जैसे जो फीचर्स हैं अब की बार आपको मारुति सुजुकी की नई वाली स्विफ्ट है उसमें देखने को मिले। तो गाइस अगर आपको आउटडेटेड गाड़ियों से कोई दिक्कत नहीं है तो आप एग्जिस्टिंग मॉडल जो है स्विफ्ट का वो ले सकते हैं, बट अगर आपको स्विफ्ट ही लेनी है एंड उसमें माइलेज फीचर्स वगैरह जैसी सारी चीजें हों तो आप लोगों को नई वाली जो स्विफ्ट है उसके लिए वेट करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ही जल्द जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। डिजाइन वगैरह जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, बट इंडिया में शायद दूसरा मॉडल लॉन्च करा जाए। एंड अब की बार ये भी बताया जा रहा है कि इसमें 3 सिलेंडर इंजन लॉन्च करा जाएगा जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी क्योंकि टर्बो आने वाला है, साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी जो है क्योंकि मारुति है वो भी आपको अच्छी मिलने वाली है, तो स्विफ्ट के लिए भी आप लोग जो है वेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी सेकंड गाड़ी। सो गाइस हाल ही में कुछ मतलब न्यूज आई है कि महिंद्रा के जो पेट्रोल इंजन है ना उनमें एकदम से इंजन फेलियर्स बहुत ज्यादा आने लगे। मैंने पर्सनली अपनी आंखों से देखा है, मेरे एक दो नोन है उन्हीं की XUV700 जो है चलते चलते उसका इंजन खराब। तो महिंद्रा के जो पेट्रोल इंजन है अगर आप प्लान कर रहे हैं कि XUV700 ले तो महिंद्रा की XUV700 का डीजल वेरियंट ले सकते हैं, पेट्रोल की तरफ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए। रीजन ये है कि एक तो सॉफ्टवेयर में काफी ग्लिचेस हैं, सॉफ्टवेयर में काफी इश्यूज हैं, एंड दूसरी चीज ये अगेन मैंने जैसे कि बता दिया कि इंजन फेलियर के बहुत सारे केसेस जो हैं वो शोरूम्स में एंड जो वर्कशॉप्स उसमें आने लग रहे हैं, तो शायद ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप लोग XUV700 का पेट्रोल वेरिएंट लें तो आपको एक फॉल्टी यूनिट या फिर एक खराब यूनिट जो है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आपकी हाल ही में XUV700 की डिलीवरी है पेट्रोल वेरिएंट में तो आप उसको टाल थोड़ा सा रोक सकते हैं, बिकॉज क्लोजली जो इंजन है उनको चेक करा जा रहा है, सॉफ्टवेयर जितने भी ग्लिचेस हैं उनको भी चेक। इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि XUV700 का जो पेट्रोल इंजन है सेम ही इंजन हमारी महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन में भी यूज करा जाता है, तो तीसरी वो गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है जो आपको अभी नहीं लेनी चाहिए हाल फिलहाल में पेट्रोल में अगेन, क्योंकि इंजन फेलियर्स के जो मैंने इशू बताए वो केवल XUV700 से ही तक लिमिटेड नहीं है, ये वाले जो इश्यूज हैं ये आप लोगों को पेट्रोल में जो स्कॉर्पियो एन है उसमें भी देखने को मिल सकता है। तो इनकेस अगर आप लोगों की प्लानिंग है हाल ही में हाल फिलहाल लेने की हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए पेट्रोल के लिए, डीजल धड़ाधड़ आप लोग ले सकते हैं बट पेट्रोल वाला जो वर्जन है वेरिएंट है उसके लिए आप लोगों को वेट करना चाहिए। तो ये 3 गाड़ियां होगी जो हमने आपको बताई। अब चलते हैं हम लोग चौथी गाड़ी। तो गाइस नेक्स्ट गाड़ी जो हमारी लिस्ट में है वो अगेन महिंद्रा की है, एंड आप लोगों को पता होगा कि महिंद्रा थार 5-डोर जो है वो आने लगी। अब जो एग्जिस्टिंग महिंद्रा थार अभी हम लोगों ने इंडियन मार्केट में देखी वो नो डाउट काफी ज्यादा अच्छी गाड़ी है, बट कुछ लोग उसको प्रैक्टिकल नहीं समझते बिकॉज उसमें पीछे वाले दरवाजे नहीं है। हाल ही हमने मारुति सुजुकी जिम्नी देखी थी काफी प्रैक्टिकल कार बट चल नहीं पाई जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं महिंद्रा थार लेने का बट आपको ये चीज चाहिए कि आप लोगों को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें पीछे भी दरवाजे हो, फैमिली भी बैठ सके अच्छे से, बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिले, तो आप लोगों को महिंद्रा थार 5-डोर अर्माडा के लिए रुकना चाहिए, इस वाली थार के साथ नहीं जाना चाहिए। ये वाली थार नो डाउट अच्छी है इसमें दिक्कत नहीं है, बट अगर आप फैमिली कार की तरह देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। महिंद्रा थार 5-डोर जो है बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है, कुछ रिसोर्सेज ये भी बताते हैं कि शायद ऐसा हो कि नेक्स्ट मंथ ही लॉन्च हो जाए। तो अगर आप लोग महिंद्रा थार की 3-डोर वर्जन लेने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़े दिन रुक जाइए, थार 5-डोर भी ज्यादा दूर। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कार पे एंड वो है हुंडई की अल्काज़ार। देखिए गाइस हुंडई की जो अल्काज़ार है वो बेस्ड है जो हमारी ओल्ड जनरेशन क्रेटा आती थी उसके प्लान जो हमारा पहले वाला इससे आता। अब नई वाली क्रेटा इंडियन मार्केट में आ चुके हैं, उसमें इतने सारे फीचर्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जैसे कि एडास जैसे न्यू डिजाइन भी पूरा आ गया, फ्रंट भी जो वो भी काफी चेंज करा गया, बैक भी जो वो भी चेंज करा गया। तो हुंडई की जो अल्काज़ार है उसका 100% कंपनी एक फेसलिफ्ट प्लान कर रही है, तो अगर आप लोग हुंडई की अल्काज़ार के साथ जा रहे हैं तो रुक जाइए थोड़े दिन, क्योंकि नए वाले जो क्रेटा के प्लेटफॉर्म पे वो बेस्ड होगी उसमें आपको एडास जैसी चीजें और सारे सेफ्टी फीचर्स जैसी चीजें, इंटीरियर भी पूरा नया का नया, फ्रंट का जो डिजाइन है वो भी नया का नया, एंड बैक का जो डिजाइन है वो भी नया का नया देखने को मिलेगा। तो अगर हुंडई अल्काज़ार आप लेने जा रहे थे तो रुक जाइए थोड़े दिन, पैसे मत फसाइए बिकॉज आपको नया वाला जो वेरिएंट है वो जल्दी ही देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट। अब चलते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट कार पे, वो है मारुति सुजुकी की एर्टिगा। ये मारुति सुजुकी की जो एर्टिगा है स्टार्टिंग से जब से लॉन्च हुई है उसमें कुछ खास ज्यादा चेंजेस हमको देखने को नहीं मिले। देखा होगा आप लोगों ने कि सिमिलर सी देखने को मिलती है, इंटीरियर भी इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ, एक्सटीरियर भी चेंज हुए, फ्रंट भी चेंज हुए। एंड इसी सेम मार्केट में जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे कि हुंडई की अल्काज़ार वो नया वेरिएंट आने वाली है, वो ऑलरेडी लेके भी आ चुके हैं, उसी के साथ साथ हमने किया कारेंस, मतलब जो भी एमवीपी व्हीकल सेगमेंट में आते हैं उसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शंस देख लिए, बट हमारी मारुति सुजुकी अर्टिगा आज तक अपडेट नहीं है। तो 100% चांसेस है कि मारुति सुजुकी अर्टिगा का जो नया वेरिएंट है, मैंने एक पहले वीडियो डाली थी उसमें आपको दिखाया था टोयोटा की तरफ से, तो गाइस टोयोटा की तरफ से टोयोटा वेलोस करके एक गाड़ी आएगी इंडियन मार्केट में, डिट्टो वो अर्टिगा ही है बट उसके लुक्स भी जो है वो काफी ज्यादा चेंज होंगे, एंड अंदर उसमें फीचर्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जैसे
जैसे कि एडास, ऑल न्यू इंटीरियर्स, काफी ज्यादा वाइड जो लुक्स होंगे एंड गाड़ी जो कहीं ना कहीं इनोवा जैसी मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है कि टोयोटा जो है अपनी ही वेलोस को मारुति सुजुकी को दे एर्टिगा नाम से एंड जो एर्टिगा अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में चल रही है वो एर्टिगा टूर एस नाम से टैक्सी में चले जाए। तो अगर आप लोग एर्टिगा लेने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़े दिन रुक जाइए, एर्टिगा में अपने पैसे मत फंसाइए, बिकॉज टोयोटा वेलोस जो है क्या पता वो ही आपकी नई एर्टिगा निकल के। नेक्स्ट गाड़ी जो है वो हमारी अगेन मारुति सुजुकी सियाज। देखिए सियाज जब से लॉन्च हुई है उसमें बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं करा गया, वही पुराना का पुराना डिजाइन है। मुझे नहीं समझ में आता कि मारुति किस चीज से रुकी हुई है, वरना कि हमने इतने सारे न्यू जनरेशन देख लिए, डिजाइन देख लिए, उसी के साथ साथ दूसरी कंपनी जो है अच्छे अच्छे डिजाइन लाने लग रही है, अपनी वर्टस होगी है एंड फिर अपनी जो है स्लाविया होगी, बहुत सारी गाड़ियां जो हमने नहीं देखी है, बट सियाज का जो डिजाइन है वो एज इट इज ओल्ड ओल्ड है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं एक नई गाड़ी तो अभी रुक जाइए, बिकॉज मारुति सुजुकी जो सियाज है वो आप लोगों को मारुति के ही नाम अंडर एक नए नाम से एंड एक नए डिजाइन से देखने को मिलने वाली है। लॉन्चिंग में बात करूं तो टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बट ये वाला जो वेरिएंट है अभी ये बहुत पुराना हो चुका है। हाँ है ये बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, बट पुराना हो चुका है। बट अगर आपको नया चाहिए एंड मारुति के अंदर ही प्रीमियम सेडान का फील चाहिए तो थोड़े दिन रुक जाइए, आपको मारुति सुजुकी सियाज जो है वो भी देखने को मिल सके। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट गाड़ी पे जो 2015 या 2014 से बदली नहीं गई है, वो है रेनॉल्ट की क्विड। देखिए रेनॉल्ट की क्विड की मैं बात करूं तो इसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा भी दिए हैं, इसमें भी कई सारी जो हमने नए नए वेरिएंट्स हैं वर्जन जो देखने मिले थे, बट जो गाड़ी है वो सेफ्टी के मामले में बहुत ज्यादा लैक करती है। उसी के साथ साथ जो दूसरी कंपनीज हैं ऑलमोस्ट इसी प्राइस में थोड़ा सा ज्यादा मिला के आपको बेटर चीजें देने लग रही है, टाटा पे ही क्यों ना चले जाइए, मारुति पे क्यों ना चले जाइए। तो अगर आप लोग लेने की प्लान कर रहे तो मत लीजिए बिल्कुल भी इस गाड़ी को, बिकॉज 2015 से इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा गया एंड सेफ्टी के मामले में भी जो गाड़ी है एकदम जीरो की जीरो है। उसी के साथ साथ जो लुक्स हैं वो भी एज इट इज पुराने के पुराने इस गाड़ी में दिए गए हैं। तो भूल के भी जो है अभी रेनॉल्ट क्विड मत लीजिएगा, ये गाड़ी जो है 100% फेस शिफ्ट मांगती है, तो लेने जा रहे थे तो अपने प्लान्स बदल दीजिए। हाँ अगर डिस्काउंट अगर अच्छा खासा मिल रहा है तो गाइस कैन कंसीडर, बट वैसे मत लीजिएगा जो एक्चुअल शोरूम प्राइस पे आप लोग आज तक मिलती है। गाइस हम लोग बात करें तो इंडियन मार्केट में जो है टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी जो गाड़ियां रूल कर रही है एंड अगर एक्चुअल में बात करें बिग साइज एसयूवीज की, बहुत बड़ी एसयूवीज की, तो टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लॉसर यही जो गाड़ियां हैं मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट। अब टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात करें तो आए दिन वो लोग नए नए वेरिएंट्स निकालते रहते हैं, जैसे कि लेजेंडर देखा था हमने, उसके बाद जो है और भी लोगों के वेरिएंट देखने में, बट ग्लॉस्टर में कुछ खास ज्यादा अपग्रेड नहीं करा। तो एमजी का प्लान हाल फिलहाल ये है कि इस कंपनी में या फिर इस गाड़ी में जो भी खामियां थी एंड इसको नए डिजाइन के साथ वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आपका अच्छा खासा बजट है एंड आप लोग फॉर्च्यूनर लेने जा रहे थे तो थोड़े दिन रुक जाइए, बिकॉज एमजी ग्लॉस्टर का जो एक्चुअल में फेसलिफ्ट वेरिएंट है वो भी टेस्ट करा जा रहा है अभी एंड बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ और जो ऑल न्यू डिजाइन है उसके साथ जो है आपको नई एमजी ग्लॉस्टर देखने को मिलने वाले। तो गाइस कुल मिला के एंड गाइस लास्ट में चलते चलते हमारी सोने पे सोगा वो है अगेन महिंद्रा की एक XUV300। देखिए XUV300 उसकी मैं आए दिन आप लोगों को वीडियो दिखाता रहता हूँ, गाड़ी अगर आपको मिल रही है बहुत अच्छे डिस्काउंट पे एंड आप लोगों को कोई भी मुद्दा नहीं है कि आप लोग आउटडेटेड गाड़ी ले सकते हैं तो आप भाग के उस गाड़ी की तरफ जाइए, बट अगर आपको अच्छे फीचर्स के साथ, अच्छी बूट स्पेस के साथ एंड महिंद्रा की वही 5-स्टार रेटिंग चाहिए तो थोड़े दिन रुक जाइए, बिकॉज महिंद्रा XUV300 जो है वो ऑल न्यू इंटीरियर्स के साथ आने वाली है, बहुत बड़ा बूट स्पेस उसमें देखने को मिलने वाला है आपको एंड जो गाड़ी है वो फुली टेस्ट हो चुकी है, कभी भी जो गाड़ी है वो लॉन्च हो सकती है। तो एक्जिस्टिंग XUV300 है उसको प्लीज मत खरीदिएगा, थोड़े दिन रुक जाइएगा। तो ये